नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे शहडोल के ग्राम पंचायत नेपानिया उत्तर टोला की, जहां बिजली गुल है। ट्रांसफार्मर जलने के कारण 7 दिन से गांव अंधेरे में है। ग्रामीण बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आखिर क्या कर रहे हैं? आज लेंगे इन्हीं सवालों का जवाब। जी हां, बत्ती गुल मीटर चालू। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जहां एक तरफ विकास के दावे किए जाते हैं, वहीं बीते 7 दिन से ट्रांसफार्मर जलने के कारण यहां के एक गांव में बिजली तक नहीं है। इसके चलते ग्रामवासियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला ग्राम पंचायत निपनिया उत्तर टोला के आदिवासी मोहल्ले का है, जहां से विकास की अनोखी तस्वीर सामने आई है, जिसने विकास के दावों को खोखला कर दिया है। इस गांव के कई घरों में पिछले एक सप्ताह से अंधकार छाया हुआ है। ग्रामीण बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। बिजली नहीं होने की वजह से महिलाएं 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं संबंधित अधिकारी और ग्राम पंचायत के मुखिया इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं बिजली विभाग ग्रामीणों से बिल जमा करने की बात कह रहा है। विभाग का कहना है कि ट्रांसफार्मर से संबंधित शिकायतें मिली हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं पर अभी बिल बकाया राशि लगभग 77,000 है, जिसे भरने के बाद ही आगे का काम हो सकेगा। सहायक अभियंता को मामले की जानकारी दे दी गई है, जल्द ही इस पर कार्यवाही होगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि घरों में बिजली बिल ही नहीं आ रहा है, इसकी हमें कोई जानकारी भी नहीं है। आखिर क्या है जमीनी हकीकत और आखिर किसकी अनदेखी हो रही है उजागर? इन सभी सवालों का लेंगे जवाब, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं ग्रामीणों की बात। एक हफ्ता से ट्रांसफार्मर जला है साहब, हम पानी पीना तरसी थे, कुह के पानी ले जाए थे तो सुबेरे उठ के पानी के जाए थे। मुँह में 1 बाल्टी पानी 2 बाल्टी मिला तकाओ तुम हमारा गुजारा हो। अगर 3 दिन में ट्रांसफार्मर अब नहीं लगा तो हम तीसरे दिन जाकर सब स्टेशन में बैठब, वहीं सबको बैठब जाकर तब जाऊँ करा कोई बिजली विभाग का तो करी। हम बहुत सब माने इतने पानी तो मिलती नहीं है साहब, जो गर्मी ही मनाई मर जाए तो फिर बिजली ना लेत रह जाए, पैसा ना उगाहत रह जाए बिजली विभाग। सर यहाँ 7 दिनों से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। ट्रांसफार्मर जो है कि लाइट ही नहीं, ट्रांसफार्मर जल चुका है, तो बिजली विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और गांव के लोगों को भी, यहाँ के मोहल्ले के सभी लोगों को बहुत परेशानी हो रही। 2 किलोमीटर तक जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं डब्बा लेके, और स्कूल में जो MDM है वो भी बहुत प्रभावित हो रहा है। तो हमारी रसोइयों को बहुत परेशानी हो रही, वो नहीं जा पाएंगी, ऐसे में खाना नहीं बन पाएगा, बच्चों को भी पानी पीने में बहुत परेशानी हो रही है। सर ट्रांसफार्मर आपका 100 KVA का जला हुआ है निपनिया उत्तर टोला में, जिससे संबंधित शिकायत आई, हमने दिखवाया भी है उसे, पूरी तरह से जल चुका है। एक्चुअल क्या है, इसमें अपने जितने भी उपभोक्ता उससे संबद्ध हैं उसमें बिल बकाया राशि लगभग अभी मेरे पास जो अभी तक आया हुआ है वो 77,767 रुपये का एरियर्स बाकी है। कंपनी के नियमानुसार अगर कोई BTR फेल हो जाता है तो कम से कम उसमें राशि जमा होने के बाद भी अपन उसको एलिजिबल मानते हैं। मैंने लिस्ट भेज दिया है सहायक अभियंता महोदय को। तो देखा आपने, ट्रांसफार्मर खराब होने से ना सिर्फ ग्रामीण परेशान है बल्कि स्कूली बच्चों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, मध्यान्ह भोजन नहीं बन पा रहा है, वहीं बूंद बूंद को जो है ग्रामीण पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी जो है अनिल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बात की जाए तो शहडोल के ग्राम पंचायत निपनिया उत्तर टोला में आदिवासी बाहुल इलाका है, जहां पर पिछले 7 दिनों से बत्ती गुल है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, ग्रामीण भी आंदोलन की बात कर रहे हैं लेकिन बिजली विभाग अभी तक सोया हुआ है, आखिर क्या कुछ वजह सामने आ रही है? जी कपिल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगातार ट्रांसफार्मर ये समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बनी हुई है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बोला जाता है कि बिजली बिल नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है,
जहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादा समझदार नहीं होते। आजकल बिल मोबाइल में आता है जो जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बिल नहीं दे पा रहे। जब भी ट्रांसफार्मर की समस्या आती है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक लोगों को परेशान होना पड़ता है। 2 से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाकर, दूसरे मोहल्ले में जाकर पानी भरना पड़ता है। लेकिन संबंधित अधिकारियों को सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिजली संबंधित कैंप लगाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए बिजली की कैसे बिजली बिल देखा जाए। लेकिन यहाँ पर जिले भर में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बिजली बिल से अनजान है ग्रामीण क्षेत्र के लोग। निपनिया की बात करें तो निपनिया में 1 हफ्ते से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, लेकिन विभाग की तरफ से सिर्फ वही बिल अलापा जा रहा है, बिल की बात कही जा रही है, जबकि ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे घर में बिल ना आने की वजह से हम लोग बिल नहीं दे पा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने कहा है कि ग्रामीणों को जागरूकता की कमी है, तो क्या बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर अनिल आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जो है ग्रामीण जुड़ चुके हैं, सोनू साकेत जो ग्रामीण स्थानीय ग्रामीण जुड़ गए हैं। सोनू, अगर बात की जाए तो आपके निपनिया टोला में आखिर बिजली क्यों गुल है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? सर जी, ट्रांसफार्मर में जब एक गर्जा है ना तभी जला है। बिजली बिल जिसका मतलब ज्यादा है, किसी का 11,000, किसी का 600, किसी का 700, तो इस ट्रांसफार्मर से उसका कनेक्शन ही नहीं है। एक मोहल्ला अपना आदिवासी मोहल्ला है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि 77,000 का बिल बकाया है, इस वजह से मीटर वो जो ट्रांसफार्मर है वो नहीं लग पा रहा है, इसका भुगतान जब ग्रामीण कर देंगे तो ट्रांसफार्मर लग जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि 77,000 बिल किसी का बाकी नहीं है, ये टोटल हरिजन आदिवासियों की बस्ती है। एक घटना भी अभी कहली चाबी है एक लड़की को, तो जवान लड़की खत्म हो गई है, अब पूरी तरह से अंधेरा छाया पड़ा हुआ है, तालाब का पानी पीना में मजबूर है लोग। यहाँ के महिलाएं पूरे आदिवासियों को एक काम मोटर चलाते हैं कि सबमर्सिबल चलाते हैं, इनके 77,000 बिल है, किसी का 77,000 बिल नहीं है। आदिवासियों का मोहल्ला है, सरकार इनको 200 यूनिट तक बिजली माफ करी है बिल, और बिल माफ करके इनको इस वजह से ये लोग कुछ बिल नहीं जमा करते हैं। और जिनका है भी तो वो संबंधित कर्मचारी आए और ट्रांसफार्मर लगाए, बिजली का बिल बेचार देने के लिए तैयार है। साकेत जी, आपने जब बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका क्या जवाब रहा? उनका जवाब सीधा सीधा ये है कि ट्रांसफार्मर अभी है नहीं है, ट्रांसफार्मर जब आएंगे तो लग जाएंगे, और 77,000 बिल जबरदस्ती का है ये कह रहे हैं। और एक नॉर्मल घरेलू कनेक्शन वाले का 70,000, 45,000, 30,000 बिल किसी तरह से आ जाता है सर? नहीं, वो कह रहे हैं कि पूरे गांव का जो है कुल बिजली बिल बिकाया है, जो अलग अलग लोगों का है, वो कुल मिलाकर गांव का अगर देखा जाए हर घर का मिला के तो 77,000 बकाया बता रहे हैं, किसी का 400, किसी का 2,000। हमारे इस ट्रांसफार्मर से किसी का कोई हितग्राही ऐसा नहीं है जो कि कमर्शियल चलाता हो, फिर सब ये घरेलू कास्ट का वो है, उपभोक्ता है, अहजन आदिवासी है, इनका बिल सरकार स्वतः माफ कर देती है। लेकिन सोनू जी, अगर बिजली का उपयोग कर रहे हैं और 200 यूनिट से ज्यादा अगर आ रहा है तो वो तो भुगतान करना पड़ेगा ना सर? हाँ, 200 यूनिट से ज्यादा आ रहा है तो वो भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, तो वही तो भुगतान नहीं किया गया है, ऐसा बिजली अधिकारियों का कहना है। हाँ, तो वो बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी आए और कैंप लगा के और बताओ कि इनका इनका बिजली का बिल बाकी है, यदि ज्यादा है नहीं दिक्कत है तो। चलिए साकेत जी, मैं आपको रुकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा साकेत जी, फोन मत काटिएगा। और इसी कड़ी में हमारे साथ दिनेश तिवारी जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर हैं, डीई हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। जी हाँ, बताइए क्या हो गया। तिवारी जी, मैं बात कर रहा हूँ शहडोल जिले के ग्राम पंचायत निपनिया उत्तर टोला की, जहाँ पर पिछले 7 दिनों से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है, बिजली विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ग्रामीणों से लेकर स्कूली बच्चे तक को दिक्कत हो रही है, मध्याह्न भोजन नहीं बन पा रहा, स्कूल में पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या कुछ वजह है जो पिछले 7 दिनों से ट्रांसफार्मर यहाँ पर जला हुआ है और नया ट्रांसफार्मर नहीं रखवाया गया है? ये इसके बारे में मुझे पता चला है कल
जी इसके बारे में, और कोई जायसवाल जी हैं उन्होंने पत्रकार हैं वहाँ के, हमको 2 से 3 बार कॉल भी किया है ना, और उनके हमने दो ये ट्रांसफार्मर के लिए 3 दिन से लगातार डोर टू डोर वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है, हर एक उपभोक्ताओं को संपर्क किया गया है। टोटल उस ट्रांसफार्मर में 54 उपभोक्ता है, 54 में से 52 लोगों ने बिजली बिल जमा नहीं किया है ना। तो शासन का ये नियम है कि कुल उपभोक्ता का या तो कुल बकाया राशि का 10% राशि जमा हो जाए, पहला केवल 10%, ज्यादा नहीं, इसका बिजली बिल लगभग 78,000 रुपए का है तो 7800 रुपए केवल मात्र जमा हो जाए, या फिर टोटल उपभोक्ता का 50% लोग जमा कर दें तो ट्रांसफार्मर को पात्रता की श्रेणी में आ जाता है और तत्काल उसको हम चेंज कर देते हैं। जिस दिन ट्रांसफार्मर चेंज होता है हम अधिकतम 24 घंटा के भीतर उस ट्रांसफार्मर को चेंज कर देते हैं। मैंने पर्सनली बताया, इस चीज को वॉच आउट किया है, अभी सामने ही मैं उसके बारे में चर्चा ही कर रहा था, हमने आज पूरा कैंप के लिए लगाने के लिए भेजा है। उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी है कि वो पैसा जमा करे, बिजली बिल हमारे जनता के पैसा, हम जो बिजली बनता है जनता के पैसा से ही बनता है। तिवारी जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बिजली जो का बिल है वो ग्रामीण जो है अनअवेयर है, अनएजुकेटेड है, आदिवासी टोला है, हरिजन बस्ती है। आदिवासी नहीं, एक मिनट बता रहा हूं, आदिवासी नहीं, मैं आपको बता देता हूं जी। यहां पर बहुत सारे लोग, ये आपके साहू जी भी है, अन्न द्विवेदी जी भी है, पांडे जी भी है, जायसवाल जी भी है, ये पूरा आप आदिवासी टोला इसको नहीं बोल सकते, नाम भी बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे आपके राम अवतार पांडे जी है, चलिए तिवारी जी, चलिए मान लीजिए तिवारी जी, चलिए मान लीजिए तिवारी जी, अगर वहाँ के लोग जागरूक नहीं है, अनअवेयर नहीं है, तो एक कैंप लगाकर आप उनको जागरूक कर सकते हैं, उनको मोहलत दे सकते हैं बिल जमा करने की। 3 दिन से मेरे कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता दोनों स्वयं गए थे उस गाँव में, और कैंप आज तीसरा दिन है लगाया जा रहा है, 3 दिन से लगातार कैंप लगाया जा रहा है, केवल 54 लोगों को, उपभोक्ताओं को मात्र बिजली बिल जमा करने के लिए, जबकि शासन ने 100 यूनिट का बिजली बिल 100 रुपए ही दे रहे हैं। हाँ। शासन मैक्सिमम जितने भी उपभोक्ता हैं 54 में से लगभग लगता है कि 95% उपभोक्ता शासन की सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, है ना, लेकिन उनके द्वारा बहुत राशि जमा नहीं की गई है, लगभग सालों से जमा नहीं की गई है, कई लोगों ने 2-3 साल जमा नहीं किया है, कई लोगों ने 7-8 महीने जमा नहीं किया है। तिवारी जी आपने कहा कि 12 लोगों का जो है बिल अभी बकाया है, बाकी लोगों की रिकवरी हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बोला कि 54 में से जो कल तक की स्थिति था लिस्ट मेरे पास है, अभी आज की स्थिति का लिस्ट नहीं है मेरे पास जी, 54 में से 52 लोगों की बिजली बिल बकाया है, 52 लोगों का लगभग, 52 लोगों का कल की स्थिति में। तो क्या तिवारी जी 2-3 लोगों ने मात्र जमा किया है बस। तिवारी जी क्या क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जिन लोगों ने बिजली का बिल आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया है, अगर वो बिजली का बिल जो है भुगतान नहीं कर रहे हैं तो उनका कनेक्शन कार्ड के जो लोग भुगतान कर दिया उनको तो लाइट मिल जाएगा ना सर? हम जो ग्रामीणों का भी हेल्प ले रहे हैं वहाँ पर, ग्रामीणों का भी हमने 2-3 ग्रामीणों से बात हुई कि भाई आप हेल्प करिए, हमारा उपभोक्ता का हमारा लाइन स्टॉप गया है, तो आज संभवतः वो ट्रांसफार्मर पात्र होने की स्थिति में हो सकता है, यदि ग्रामीण ने हेल्प कर रही तो स्वाभाविक बात है वहाँ का लोकल का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए रहता है कि ट्रांसफार्मर पात्रता श्रेणी में तत्काल आ जाता है लोकल, यदि कोई आदमी सपोर्ट करता है तब। और तिवारी जी लेकिन ग्रामीणों का एक आरोप और भी है कि उनके पास बिजली का बिल आ ही नहीं रहा है, उनको कोई जानकारी भी नहीं है उसकी। मैं आपको बताना चाहूंगा बिजली बिल नहीं आ रहा है उसके लिए कि आजकल लगभग 2-2.5 साल हो गया है किसी को भी बिजली बिल हार्ड कॉपी में प्रदान नहीं किया जाता है, वो मैसेज के माध्यम से प्रदान किया जाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान किया जाता है, और हमने लगभग पिछले 2 साल से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई किसी को बिजली बिल प्राप्त नहीं भी होता है मान लो, है ना, तो 1912 टोल फ्री नंबर है, 1912 में फोन कर दिया भाई, उसको फोन करके बोला भाई मेरा सर्विस नंबर ये है, मेरे को बिजली बिल प्राप्त नहीं हुआ, भाई हमको बिजली बिल अपडेट कर दो, है ना, ये इस तरह से बताएंगे। आप भी अपना फोन तिवारी जी क्या मेरा आपसे एक निवेदन है, क्या गांव में ये व्यवस्था कर सकते हैं कि आपका कोई कर्मचारी वहां पर आप नियुक्त कर दें जो ग्रामीणों की समस्या का समाधान करे और बिजली का भुगतान भी आसानी से हो जाएगा? वहां मेरा कर्मचारी अभी भी वही उसी गांव में है, उसी गांव में अभी। चलिए तिवारी जी, तिवारी जी चलिए मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी कड़ी में जो है गांव के सरपंच जो है हमारे साथ मनोज विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी अनादि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी आपके गांव में 7 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ पड़ा है, लाइट गुल है, अभी आप डीई दिनेश तिवारी जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बिजली का बिल का जो भुगतान है ग्रामीण नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है, जिस दिन रिकवरी हो जाएगी उस दिन ट्रांसफार्मर लग जाएगा। आपसे जानना चाहूंगा जमीनी हकीकत, आप उस गाँव के मुखिया हैं, आखिर क्या कुछ वजह है जो 7 दिनों से बिजली गुल है? सर पहली बात तो मैंने उन्होंने सूचना दिया, जैसे आपको बताया कि यहाँ का ट्रांसफार्मर जल चुका है, उन्होंने ये कहा कि भैया कुछ आंतरिक पैसा जमा होना चाहिए, आप गरीब लोग हैं, आदिवासी मोहल्ला है सर, अब इतने तो जागरूक नहीं है कि वो बिल कहाँ आता कैसे आता है,
कोई कर्मचारी कभी नहीं आता है। मैं गांव का हूं, कभी भी कोई कर्मचारी नहीं आता या कि लाइट डिस्टर्ब हो जाती है, फोन लगाने पर भी वो नहीं आते हैं। मैं आप मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ, कहीं लाइन कट जाती है, अगर फोन भी करते हैं तो कोई बताएगा मैं यहाँ हूँ, कोई बोलेगा ऐसा है वैसा है। यहाँ सबसे बड़ी पानी की समस्या सर, और पैसा, एक निवेदन और सर कि अगर बिल जिन, मैं कहता हूँ कि 100 लोग में अगर 50 लोग बिल दे दिया है और 50 नहीं दिया है तो 50 सिपाहियों को काट दिया जाए। 100 लोगों ने बिल जमा किया, 2 लोग ने बिल जमा किया मात्र, आदरणीय सरपंच जी मैं बताना चाहता हूँ। और मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हमारा टीम अभी वहीं पर है, आप बिजली बिल वसूली मात्र करवा दीजिए वहाँ पर का। हम नहीं बोल रहे हैं कि पूरे पैसे जमा कर रहे हैं भाई, 10% मात्र पैसा जमा करवा दीजिए ताकि पात्रता की श्रेणी में आ जाए वो। हमारे पास ये अनुरोध तो मेरे पास है, सरपंच जी बराबर भी है वहाँ के, आप मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, मैंने घर घर मेरे पास सूची, आप हमारा मुख्य टीम वहीं पर है, पिछले 3 दिन से लगातार जा रहा है। अनुरोध आपसे यही है कि जो उन लोग को समझा ही दीजिए भाई कि आपका बिजली बिल, अधिकांश जो गरीब है उनकी बिजली बिल कितने रुपए आते हैं, मैं आपको बता दूं 100 रुपए 150 रुपए, उससे ज्यादा बिल किसी का नहीं आता। और जिस आदमी का बिजली बिल मान लो कि 2000 रुपए, तो मान लो कि 15 महीने से बिल जमा नहीं किया उसने, तो स्वाभाविक सी बात है आपका हेल्प तो चाहिए रहेगा। मैं पूरी मदद सर कोऑपरेट कर रहा हूँ, आज मैं भी, मैं अपने यही साहब है उसको भी भेज देता हूँ वहीं पर ही, आपसे वो मिल लेंगे और आज यदि पात्र हो जाता है मनोज जी, जी सर आप इनकी मदद करिए, ये हमारा भी अनुरोध है। देखो अगर शासकीय गलती है तो उस गलतियों को सुधारना चाहिए, और मैं भी अनुरोध करूंगा सर, मैं पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ, 2-4-10 लोग बिल दे भी दिए हैं, लेकिन कुछ हितग्राही क्या है कि नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आपको मैं बता दूं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कई लोग बिल 700-800 रुपए वो भी तो जमा कर सकते हैं, कोई ज्यादा बिल थोड़ी होता है 700-800 रुपए, किसी का 20-30 हजार बिल किसी का नहीं है उसमें, है ना। लेकिन लेकिन तिवारी जी, जैसा कि तिवारी जी, कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही ट्रांसफॉर्मर पात्र होने पर आज ही इसको चेंज करवा दूं मैं। तिवारी जी लेकिन जैसा कि सरपंच साहब ने कहा है कि जितने लोगों ने भुगतान कर दिया है कम से कम उनकी तो लाइट चालू कर दीजिए, जिन्होंने नहीं किया है उनकी मत कीजिए चालू। अब एक के चक्कर में आप पूरे गाँव के अंधेरे में रखेंगे आप, तो ये तो उचित नहीं है ना तिवारी जी। मैं उसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है सर। और जी सर, तिवारी जी आप हमारे, हाँ तिवारी जी आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोज जी आपने यहाँ पर सुना है डी दिनेश तिवारी थे जिन्होंने कहा है कि बिजली का भुगतान जो है आप उनकी मदद करिए, जमा कराइए, और जो ट्रांसफार्मर है वो लग जाएगा, 10% की राशि उन्होंने जमा करने की बात कही है। तो आखिर कब तक आप उनकी मदद करने को तैयार हैं सरपंच साहब जी? सर मैं तो लगा हूँ, मैं तो, मेरे पास सूची आ गई है, मतलब मैं घर घर गया था, एक कर्मचारी भी आया था, और मतलब कुछ लोग दे पा रहे हैं कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं, पर फिर भी मतलब ये चीज है सर, आंशिक रूप से बिल है, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना बिल है, किसी का 200 किसी का 300 किसी का मतलब मनोजी, मेरा एक आपसे निवेदन है, मेरा आपसे एक निवेदन है, सरपंच होने के नाते आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आदिवासी टोला है, आदिवासी बाहुल है, अशिक्षित हैं, अवेयरनेस नहीं उनके अंदर, तो आप कम से कम एक कोई ऐसा कोई अपना सरपंच कार्यालय खोलें जहाँ पर उनको जानकारी दें, अगर वो बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहे तो आप वहाँ से उनका ऑनलाइन भुगतान कराएं, कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था आप भी करा सकते हैं मुखिया होने के नाते वहाँ पर। वो सर प्रॉब्लम इस चीज का है कि जब ऐसी दिक्कत होती है ना, जैसे जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती तभी ये सब मुहिम चलती है। अगर मतलब ये चीज हो, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि बिल जो नहीं दे रहा, प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई मतलब इतना पैसा जमा करवाया जाए, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि 50% लोगों का बिलिंग है सर, मतलब है अब जो कुछ थोड़े बहुत जो पलायन हो गए, मान लीजिए जो यहाँ नहीं है, कुछ जो मजदूर वर्ग है, ऐसे लोग हैं जो आदिवासी, और सर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 3 किलोमीटर से पानी ले जाते हैं, मेरे घर से पानी ले जाते हैं सर। बिल्कुल मैं समस्या समझते हैं हम, तभी तो हमने इस मुद्दे को उठाया है। तो मनोज जी आपसे भी पुनः निवेदन करूंगा कि अगर जो जागरूक नहीं है उनकी आप मदद करें, आप सरपंच कार्यालय खोले वहां पर उनको बिजली का भुगतान अगर नहीं कर पा रहे हैं वो तो उनका भुगतान करवाएं आप, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि आप वहां के मुखिया हैं, जवाबदेही आपकी भी बनती है मनोज जी। जी 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 बिल्कुल। और हमारे साथ जो है लगातार हमारे सहयोगी अनिल पांडे साहब जुड़े हुए हैं। अनिल अगर बात किया तो देखा आपने यहाँ पर डी ने आश्वासन दिया है, साथ ही सरपंच साहब भी कह रहे हैं कि हम जो ग्रामीण हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं, उनकी मदद करने को तैयार हैं। तो आखिर अब क्या लगता है कि आखिर अब जो कम्युनिकेशन का गैप रह गया है वो कहाँ रह गया है अनिल? सर मेरी कल बात हुई थी सहायक अभियंता जी से बिहारी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैंप लगाया गया है वहां पर लोग जाके लिस्ट बनाए, लेकिन जब उसको उससे बात की गई जिनको भेजा गया था
उसने यह जवाब दिया कि मैं गया नहीं था, लिस्ट मुझे मिल गई तो मैंने नाम लिख के आपको दे दिया। चलिए अनिल मैं आपको रोकना चाहूंगा, अनिल आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो है शरद जुगलाल कोल जो कि स्थानीय विधायक है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विधायक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, हम पुनः संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो अनिल हाँ अपनी बात को पूरा कीजिए अनिल आप। जी यहाँ पर तो लोग टाल मटोल करते हैं और मेरा कहना यह है कि ठीक है जो बिल नहीं दे रहे हैं तो सर उनका कनेक्शन काटा जाए ना, जो दे रहे हैं वो क्यों परेशान हो रहे हैं। हमने लगातार मीडिया न्यूज में भी चलाया, अधिकारियों से बात भी किया लेकिन सुनने को कोई तैयारी नहीं है। बोलते बिल ला, लेकिन जो जिसने बिल दिया है वो क्या करे, वो तो फालतू में जा रहा है। और यहाँ पर अगर कर्मचारी के कनेक्शन काटे, ये कंज्यूमर के कनेक्शन काटे जाते हैं तो स्थानीय कर्मचारी 100 रुपए लेकर वापस जोड़ देते हैं जी। तो यहाँ पर सर सबसे समस्या यही है कि जब ट्रांसफार्मर जलता है बिगड़ता है तब ये मुहिम लगाती है, अधिकारियों के द्वारा बहानेबाजी की जाती है। लेकिन ग्राम लोग की बात कर रहे हैं जैसे कि जी हेलो जी, ग्रामीणों का सीधा कहना है कि अगर 2 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं लगता है तो तीसरे दिन सब स्टेशन कार्यालय पहुंचकर वहां पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे, ग्रामीणों का कहना है। जी अनिल भाई जी जी, तो देखा आपने हम बात कर रहे हैं निपनिया उत्तर टोला की, जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद जी भी जो है वहां पर बिजली नहीं मिल पा रही है। और हमारे साथ शायद कोई एक तो आप देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं शहडोल जिले के ग्राम पंचायत निपनिया उत्तर टोला की जो कि आदिवासी बाहुल है, लेकिन बिजली के बिल बकाया होने का हवाला देकर यहाँ के छात्रों के साथ, बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिजली विभाग अपनी अड़ी पर खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि जब तक बिजली भुगतान यानी कि बिजली भुगतान की रिकवरी नहीं हो जाती है तब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं 3-3 किलोमीटर से जो है ग्रामीण महिलाएं पुरुष जो है पानी लाने को मजबूर हैं। विद्यालय में बच्चे पानी को तरस रहे हैं, मध्याह्न भोजन नहीं बन पा रहा है पानी के अभाव में। ये दुर्दशा है निपनिया टोला गांव की। और बिजली विभाग के अधिकारी एसी कमरों में बैठकर जो है रिकवरी की बात करते हैं। और जैसा कि सरपंच ने कहा है कि बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी ग्राम गांव में कभी दस्तक नहीं देते हैं, लेकिन अब जब ट्रांसफार्मर जला है तो अब इसका फायदा उठाते हुए बिजली विभाग के अधिकारी लगातार वहां पर जा रहे हैं, कैंप खोल रहे हैं और रिकवरी करने की बात कर रहे हैं। तो देखा आपने आपका शहर और आपकी खबर में हमने बात की है आज शहडोल जिले के निपनिया पंचायत के टोला की, उत्तर टोला की, जहां पर जो है ग्रामीणों को लाइट नहीं मिल पा रही है। तो आज हमने इस मुद्दे पर बात की है, अब देखना होगा कि खबर दिखाया जाने के बाद जो है क्या पंचायत निपनिया उत्तर टोला के ग्रामीणों को लाइट मुहैया हो पाएगी या नहीं, है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।